स्वास्थ्य विभाग की मंडलीय बैठक मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने चिकित्सकों में ऑनलाइन ओपीडी सेवा शुरू करने के संबंध में चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत सभी जनपदों के जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सक के साथ चिकित्सालयों का निरीक्षण कर वहाँ पर ई हॉस्पिटल प्रारंभ करने की तैयारी कर अपनी आख्या प्रस्तुत करें। मंडलायुक्त ने कहा कि ई हॉस्पिटल होने से मरीजों को बहुत लाभ मिलेगा और लोग घर पर ही अपना पंजीकरण कराकर चिकित्सालयों में आएंगे, जिससे चिकित्सालयों पर भीड़ में कमी आएगी। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने आईएमए के प्रतिनिधियों से कहा कि वे अपने संगठन के माध्यम से सभी प्राइवेट चिकित्सालयों में भी ऑनलाइन ओपीडी हॉस्पिटल की व्यवस्था करें। मंडलायुक्त ने कहा कि चिकित्सालयों में नॉन कोविड इमरजेंसी मरीजों को भी देखा जाए, इससे में भी किसी प्रकार की शिकायत ना आने पाए। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने ऑनलाइन चिकित्सा के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि अस्पतालों में भीड़ ना हो, इसके लिए तकनीक का प्रयोग करते हुए सॉफ्टवेयर को बनाया गया है, जिसमें लोगों की सुविधा होगी। बैठक में अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर जनार्दन मणि त्रिपाठी सहित मंडल के चारों जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मौजूद रहे। हमारे चारों जिला चिकित्सालय देवरिया साहब को मैं जानता हूँ, इनको जानता हूँ। खुशी नगर कौन है? क्या नाम है डॉक्टर? और तो चारों सीएमएस हैं, सीएमओ मुख्यालय गोरखपुर के हैं और ई साहब और कौन कौन है के लिए बुलाए थे तो आईएमए के तो सर मैं सीएमएस मेरा जी प्रयास ये है, इसको बिल्कुल मैं बहुत खुले लेवल पर चर्चा करना चाहता हूँ। सदर साहब बता देंगे, जॉइंट मिनिस्टर साहब बता देंगे कि एग्जैक्टली हम लोग क्या करने का ये सोच रहे हैं इस प्रोजेक्ट में। ये हॉस्पिटल का पता है और स्वास्थ्य विभाग ने ये हॉस्पिटल अपने जिला चिकित्सालय में जरूर किया होगा। ऐसे ऐसा ना हो कि सारी जनता आपको कल को हमने ओपीडी खोली, सारी जनता आपके सीएससी और जिला चिकित्सालय और महिला चिकित्सालय में खड़ी हो गई और एक दिन आया कि 50 एक साथ सैंपल जो निकले तो जिला चिकित्सालय में आए थे तो डॉक्टर से लेके पैरामेडिक्स नर्सेस सारे हॉस्टल हो गए। हमारी इमेज हम लोग की खराब होती है कि हम लोग इसको प्रिकॉशन नहीं लिया या तकनीकी या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी है इसको बहुत सरल होता है। तो सकता है छोटी बीमारियों वाले भी लोग आए दिखाने, तो उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? पहला आइडिया कैसे, क्योंकि मेडिकल डॉक्टर कंसल्टेशन इज वन ऑफ द पार्ट आउट ऑफ चार जो आपके हेल्थ केयर के हैं। इसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन कराने जाता है पैथोलॉजी सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर पे, इसके बाद वो मेडिकल स्टोर्स पे जाता है दवाई लेने। तो इसको कैसे हम एंड टू एंड इंटीग्रेट कर सकते हैं और एक सोल्यूशन ऐसा प्रोवाइड करें जिसमें मेडिकल डॉक्टर कंसल्टेशन, फार्मेसी एंड डायग्नोस्टिक और पैथोलॉजी कैसे कनेक्ट करते हैं। तो इसमें चूंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स, क्योंकि हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी काफ़ी कैटर करते हैं ओपीडीज को और पेशेंट्स को, और एज वेल एज हमारे जो गवर्नमेंट के सीएससी पीएससी और स्पेशली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, तो गवर्नमेंट का भी हमने इसमें देखा है कि किस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। तो एक फ्लो चार्ट है, इसको आगे देखिए, आगे बढ़ाइए। हमारे जो ई हॉस्पिटल का जो जैसे मेरी मैडम से बात हुई थी कि जो हमारे ई हॉस्पिटल है अभी टेलीमेडिसिन का हम प्रोवाइड कर रहे हैं अक्रॉस द कंट्री, हमने कई सारे मॉडल स्टडी किए इसको बनाने से पहले, तो उस सब में ये है कि एक वेबकैम होना चाहिए, एक लैपटॉप होना चाहिए, पर्टिकुलर टाइम रहता है उसके लिए, वेबसाइट रहती है। इसमें हमने क्या प्रोवाइड किया है कि आप व्हाट्सएप के जरिए भी इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं और नॉर्मल कॉल, एक नॉर्मल जिसके पास कोई मोबाइल कनेक्ट कोई कनेक्टिविटी नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे इसका पेनिट्रेशन हो, इसके लिए हमने देखा है कि एक व्यक्ति सिंपल मोबाइल नंबर से भी इसको इंटीग्रेट कर सकता है और अपना बुकिंग स्पॉट कर सकता है एक तरीके से। तो इसमें ना केवल टेली कंसल्टेशन रहेगा बल्कि बुकिंग, जैसे सीएससी पीएससी से अगर कोई जैसे भी रेफर हम करते हैं तो पीएससी ने रेफर किया, सीएससी ने रेफर किया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को, तो हम एट ए टाइम बता देंगे कि उसको इस टाइम पर जाना है, कितने बजे जाना है, तो क्या होगा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऐसे रेफरल केसेस आने वाले को पता चल जाएगा। नेक्स्ट